हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंस जानकारी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिजीत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैंसिल चेक के बारे में। कैंसिल चेक क्या होता है और किस किस काम में कैंसिल चेक को यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी कैंसिल चेक के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंसिल चेक क्या होता है। कैंसिल चेक एक यूजर का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे लाइक मान के चले कि आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है तो आप किसी भी जगह पे दोस्तों अपना अगर कैंसिल चेक देते हैं उससे पता चलता है कि हाँ आप एक अकाउंट होल्डर है, क्योंकि उस चेक में आपका सारे डिटेल्स मेंशन होता है, जैसे नाम, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और यहाँ पे ब्रांच का नाम भी पता चल जाता है आपका कैंसिल चेक से। तो इस रीजन से दोस्तों कैंसिल चेक दिया जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कैंसिल चेक से क्या पैसा विथड्रॉ हो सकता है। दोस्तों, कैंसिल चेक से कोई भी पैसा विथड्रॉ नहीं होता है। दोस्तों, आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैंसिल चेक को कैसे राइट करना है और कैंसिल चेक में आपको क्या क्या चीजें लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि ये कैंसिल चेक किस किस काम में आता है। सबसे पहला दोस्तों केवाईसी, नाउ योर कस्टमर। आप किसी भी दोस्तों बैंक हो गया या कोई भी और चीजें के लिए आप अगर अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कराते हैं तो बहुत सारे टाइम पे आपको कैंसिल चेक पूछा जाता है। तो आपको लगता है कि कैंसिल चेक क्यों पूछ रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कैंसिल चेक से आपका बहुत सारे डिटेल्स पता चलता है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स नहीं होता है, ये नॉर्मल डिटेल्स होता है जो किसी भी यूजर का, कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। दोस्तों, सेकेंड यूज ईएमआई पेमेंट फॉर एनी लोन। अगर आप बैंक से कोई भी लोन ले रहे हैं या दोस्तों आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसका ईएमआई के लिए, यानी आपका अकाउंट से जो मंथली ऑटो डिडक्ट होगा ईएमआई, उसके लिए भी कैंसिल चेक लिया जाता है। कैंसिल चेक से ऑथराइज किया जाता है आपका ट्रांजेक्शन को। दोस्तों, इसका थर्ड यूज है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग कर ले या दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें दोस्तों डीमैट अकाउंट के लिए अपना कैंसिल चेक लगता है। फोर्थ यूज है ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ये दोस्तों कोई भी बैंक का एजेंट के थ्रू किया जाता है। जैसे मान के चलिए आप बैंक से कोई भी इंश्योरेंस करा रहे हैं या दोस्तों कोई भी आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं या कुछ भी चीजें है जिसको आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट करना है, तो उसका परमिशन के लिए एक कैंसिल चेक लिया जाता है और इस प्रोसेस को दोस्तों बताया जाता है ईसीएस, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। दोस्तों, फिफ्थ यूज होता है कैंसिल चेक का ईपीएफ फंड विथड्रॉ करने के लिए। आपका कोई भी ईपीएफ फंड है तो आप अगर उसको विथड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका एक कैंसिल चेक जरूर लगता है। दोस्तों, सिक्स एंड सबसे ज्यादा यूज जिसमें होता है कैंसिल चेक वो है ओपनिंग ए न्यू बैंक अकाउंट। दोस्तों, अगर आप किसी भी दूसरा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो उसमें भी आपको कैंसिल चेक का जरूरत पड़ता है। और भी बहुत सारे तरीका है जिसमें कैंसिल चेक को यूज किया जाता है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसा है जो आपको कैंसिल चेक में नहीं डालना होता है। अगर आप वो सारी चीजें डालते हैं तो आपका कैंसिल चेक से कोई भी मिसयूज हो सकता है। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंसिल चेक को कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, देख सकते हैं कैंसिल चेक कुछ इस तरह से दिखता है। आपको यहाँ पे ऊपर में एक लाइन, नीचे एक लाइन और बीच में लिखना होता है कैंसिल। तो आप जैसे कैंसिल लिख देते हैं तो आपका ये जो चेक है ये कैंसिल्ड हो जाता है। बहुत सारे केसेस में दोस्तों आपको साइन करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको साइन भी नहीं करना पड़ता है। और बाकी सारे जो डिटेल्स है जैसे डेट, पे एंड रुपीस, ये सारे जो भी डिटेल्स है आपको कुछ भी फिल नहीं करना होता है, इसको आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ना होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका जो कैंसिल चेक है वो कहीं से भी मिसयूज हो सकता है तो आपको क्या करना है, दो चीज आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बैंक विजिट कर सकते हैं और वहां पे आप ये कैंसिल चेक का जो नंबर है ये नंबर आप जरूर नोट कीजिए जब भी आप किसी को कैंसिल चेक देते हैं उससे पहले। तो इस नंबर को आप बैंक में दीजिए और बोले कि मेरा जो कैंसिल जो और मेरा जो चेक है उस चेक का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप डिसेबल कीजिए। मतलब क्या है कि ये जो चेक है ये ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, इस चेक से कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी या कोई ऐसी बैंक यूज करते हैं जिसमें ऐप के थ्रू आपको फैसिलिटी मिल जाता है, आपको यहाँ पे चेक का एक ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे जाके आपको ये चेक नंबर डालना होता है। और आप जैसे चेक नंबर को डालेंगे तो उसको अपना वो चेक नंबर को आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, मतलब उस चेक से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो प्रिकॉशन आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका जो कैंसिल चेक है वो मिसयूज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंक के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास जैसे एचडीएफसी बैंक का ये कैंसिल चेक है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये चीजें लिखा हूं। तो ऐसे दोस्तों कैंसिल चेक लिखा जाता है। जब भी आप किसी को कैंसिल चेक दे उससे पहले जरूर वेरीफाई कीजिए कि वो कैंसिल चेक लेने का क्या पर्पस है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया कि कैंसिल चेक क्या होता है, कैंसिल चेक का यूज किस किस काम में आता है और आपको कैंसिल चेक को कैसे लिखना है ताकि आपका कैंसिल चेक से कोई भी मिसयूज ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी
तक सब्सक्राइब नहीं किया बैंकिंग पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सबके साथ नया और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।